भाई आवाम तैयार हो गई है और जुहेब ब्लॉग करके आ रहा है। ये देखें आज हीरो का लुक देखें भाई। न्यू ईयर की तैयारी है और बच्चे रेडी हो गए। तो आज जैन का लुक देखें भाई। जैन इधर खड़े हो। ये आज जो है जुहेब अहमद ने जैन का मेकओवर किया है। जैन का लुक देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम जा रहे हैं बस लिफ्ट के अंदर और निकल रहे हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए। क्या है इसमें? चलें जी। अनाया वहाँ पे नहीं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। इधर आ जाओ। कहाँ आई हो तुम, बता तो दो। जिनसोई क्या खाना है तुम्हें? यहाँ पे पहले भी आए थे तो क्या? यहाँ पे पहले भी आए थे। पहले भी आए थे? यहाँ तो आते रहते हो हैं? तो हम आए हुए हैं जिनसोई और यहाँ पर जो है इस वक्त काफ़ी रश है और वेटिंग जो है वो ओपन हुई हुई है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अनाया आ जाओ। और बड़ा अच्छा वेदर है। और अहमद ये रहा, क्योंकि हमने कहा कि जश्न की बजाय हम जिनसोई जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। और सारा एरिया भरा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अच्छा है, वेदर भी बड़ा प्लेजेंट है। तो अब सब बाहर ही बैठ के आउटडोर वेट कर रहे हैं। जैसी अंदर जगह खाली होगी तो हमें अंदर भेज दिया जाएगा और वहाँ हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। अनाया वहाँ पे नहीं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। इधर आ जाओ। कहाँ आई हो तुम, बता तो दो। जिनसोई क्या खाना है तुम्हें? यहाँ पे पहले भी आए थे तो क्या? यहाँ पे पहले भी आए थे। पहले भी आए थे? यहाँ तो आते रहते हो हैं? तो ज़रा चांद चेक करें, माशाल्लाह साइज़ देखें चांद का। और हम वेट कर रहे हैं, शदीद भूख लगी हुई है, कोई बहुत ही भूख लगी है। आज मैंने तुरई बनाई थी और घर की चपातियां बनाई थी, तो बस उसके बाद काम काफ़ी किया है। और ये देखें माहौल, सभी वेट कर रहे हैं बाहर बैठकर। तो भाई बहुत ही शदीद किस्म की भूख लगी हुई है आज ना। और साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू होने जा रहा है, तो अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों की सारी परेशानियों को दूर करे और नया साल हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और ये मेरा ही प्लान था जिनसोई आने का बेसिकली, क्योंकि जश्न के अंदर जो है वो टिपिकल फूड होता है, मेरा मूड कुछ चाइनीज़ खाने का था और थोड़ा ठंडा भी है वेदर, तो इसलिए मैंने कहा कि बेटर है कि हम यहाँ पर आएँ। तो अब थोड़ी ही देर रह गई है न्यू ईयर स्टार्ट होने में भी, और बस हम एंटर हो जाएं अंदर और हम कुछ खाने को मंगा लें तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। तो अनाया भाग भाग के मेरे पीछे आ रही है और मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को घुमाऊं फिराऊं और दिखाऊं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह जिनसोई। तो जिनके कोई करीब नहीं होता है तो उनकी ईद बकरीद और न्यू ईयर जो है वो रेस्टोरेंट्स ही में स्टार्ट होते हैं। और मैंने आज जो है यहाँ पे देखें ये ब्रोच लगाया हुआ है, ये मेरी मदर का ब्रोच है, तो आज मैंने ये अपनी जैकेट के ऊपर लगाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पुराना है और प्योर चांदी का है और इसके ऊपर सारे स्टोन्स का काम हुआ हुआ है। तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं वेटिंग में हैं, गाड़ियाँ वेटिंग में हैं, हर तरफ लोग वेटिंग में हैं। और
अभी तक जगह बनी नहीं है, भूख भी लग गई है। तो ये इसका आउटडोर एरिया है, इंडोर मैं आपको अंदर जाके विजिट करा दूंगी, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी भी होती है, ऑफ कोर्स हर बंदा जो है वो पसंद नहीं करता, तो इस चीज़ को भी देखना होता है। तो जितना मैं अंदर आपको दिखा सकूँगी अंदर दिखा दूँगी। ये मस्जिद की जगह बनाई हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए। क्या कर रही हैं आप? हाँ, इतनी कोई मुझे भूख लगी हुई है कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बड़ी ही भूख लगी भाई। फाइनली हमारा नंबर आ गया, फाइनली फाइनली जन्नत का नंबर आ गया भाई। तो फाइनली हमें टेबल मिल गई है और हम बैठ गए हैं आके, और अनाया कर रही है हेलो। अनाया यहाँ क्या करने आई है? खाना खा रही हूं मैं ना। खाना खाने आई है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई है। और ये दोनों जो है डिसाइड कर रहे हैं क्या मंगवाना है। और तुम यहाँ गेम खेलने आए? जैन को तो आज देखे भाई, आज जैन के लोग तो बस अब हम ऑर्डर करने लगे हैं खाना, और बहुत यहाँ भूख लगी हुई है, तो पहले खाना ऑर्डर कर लें फिर आपको रिव्यू देंगे। यहाँ तो भाई इनके वॉशरूम्स की तो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कोई ये इस तरह के नहीं है। सारा जो है नीचे लोगों ने कचरा तक फेंका हुआ है। इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये देखें, अच्छी खासी जगह को गंदा किया हुआ। भाई अब 20 मिनट्स रह गए हैं अब न्यू ईयर इंशाल्लाह शुरू होने में। तो हमारा गरम गरम सूप आ गया है, हॉट एंड सावर। और अनाया को इतनी भूख लगी हुई है कि अनाया बेचारी यहाँ वेट कर रही है और क्रैकर्स खा रही है। तो बस हम अनाया को सूप डालते हैं, चलो जल्दी से अनाया को सूप डालो। तो भाई अब 20 मिनट्स रह गए हैं अब न्यू ईयर इंशाल्लाह शुरू होने में। तो हमारा गरम गरम सूप आ गया है, हॉट एंड सावर। और अनाया को इतनी भूख लगी हुई है कि अनाया बेचारी यहाँ वेट कर रही है और क्रैकर्स खा रही है। तो बस हम अनाया को सूप डालते हैं, चलो जल्दी से अनाया को सूप डालो। अनाया गर्म है तो आप ख्याल से खाइएगा इसको, ठीक है? अनाया को लगी भूख तो हम बस शुरू करते हैं, फिर आपको भी कहेंगे। तो भाई यहाँ पर इसमें सॉसेज हैं, ये देखें बहुत ही मज़े का ये वाला सॉस है, शेजवान सॉस पता नहीं कुछ कहते हैं। मैंने ये सारे डालने हैं, अब मैं सूप डालने जा रही हूँ। तो खाना यहाँ पे आ गया है, और खाने में फ्राइड राइस, बीफ चाउमिन और बीफ चिली ड्राई। हाँ, तो बस अब हम खाना शुरू करने लगे, और अनाया ऑलरेडी खाना खा रही है। ये मेरा 2024 का पहला डिनर स्टार्ट कर रहे हैं, 2024 का पहला खाना। तो भाई खाने से हम सब फारिग हो चुके हैं, हमारी टेबल देखें, हम सब ने खा लिया खाना और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और अनाया को भी नींद आ रही है। तो चलें बाहर चलते हैं। हाँ भाई अब हम बाहर जा रहे हैं, जैन डोर खोलो ज़रा सा। डोर खोल दे तो भाई, अब हम बाहर जा रहे हैं, जैन डोर खोलो ज़रा सा। डोर खोल दे तो
अच्छा जी, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको बहुत बहुत। और हमारा भी डिनर हो चुका है, तो बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है और सर्दी भी हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह प्यार करते रहें और हम व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।